नेटफ्लिक्स ने 12 इंडियन टाइटल्स रिवील किए हैं टुडुम 2022 फैन इवेंट में। जाकिर खान और प्राजक्ता कोहली ने इस इवेंट को होस्ट किया और बैक टू बैक 12 टाइटल्स के टीजर और ट्रेलर रिलीज किए। सबसे पहले इस इवेंट में राजकुमार राव और हुमा कुरैशी की मोनिका ओ माई डार्लिंग का वीडियो सॉन्ग रिलीज किया गया। ये एक डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म होगी जिसमें ब्लैकमेल, बिट्रेल, ब्लड, लस्ट और हू डन इट देखने को मिलेगा। हू डन इट एक ऐसा फिल्म जॉनर है जिसमें मर्डरर को लास्ट तक रिवील नहीं किया जाता। मूवीज लाइक नाइफ्स आउट, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, क्लू और भी बहुत सारी फिल्में। नेक्स्ट इस इवेंट में अमेरिकन टीवी सीरीज रे डोनोवन के ऑफिशियल अडेप्टेशन राणा नायडू का ट्रेलर रिलीज किया गया और ये सीरीज फॉलो करती है एक लॉ फर्म मीडिएटर को जो शहर के सबसे वेल्थीएस्ट क्लाइंट्स के लिए गंदा काम करता है और जब उसके अलग हुए फादर को जेल से रिहा किया जाता है तो उसका सोशल रूटीन हिल जाता है। ड्रामा तब सामने आता है जब फादर और सन आमने सामने आते हैं। नेक्स्ट हमें इस इवेंट में खुफिया का एक टीजर देखने को मिला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने जिन्होंने एक्सप्लेन किया खुफिया फिल्म को। खुफिया फिल्म बेस्ड है एस्केप टू नोवेयर नॉवेल पर और जो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इवेंट से। इस स्पाई ड्रामा फिल्म में हमें तब्बू और अली फजल लीड रोल में दिखेंगे। खुफिया के टीजर के बाद क्लास सीरीज का टीजर रिलीज किया गया। इस सीरीज में दिखाया जाएगा एक रिच स्कूल में मर्डर केस को और अगर आप एलीट सीरीज के फैन हैं तो ये सीरीज भी उसी स्पेनिश सीरीज के सिमिलर है। नेक्स्ट हंसल मेहता की सीरीज स्कूप का एक फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। ये सीरीज बेस्ड है ट्रू स्टोरी पर। 2011 में एक रिपोर्टर को मुंबई में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी और ये सीरीज इस घटना की सच्चाई बताएगी। बेशक सारे ट्रू क्राइम स्टोरीज में मर्डर इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसी ही एक कहानी नेटफ्लिक्स लेकर आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग कास्ट के साथ ये फिल्म है कटहल, एक सच्ची घटना पर आधारित। फिल्म में दिखाया जाएगा कि एक पॉलिटिशियन का बेशकीमती कटहल गायब हो जाता है और ये एक विचित्र केस में बदल जाता है। ये केस सानिया मल्होत्रा द्वारा प्ले की गई एक यंग और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। नेक्स्ट एक डार्क कॉमेडी सीरीज सूप का ट्रेलर रिलीज किया गया। सूप फॉलो करती है शेफ स्वाति शेट्टी को जो एक मास्टर प्लान बनाती है अपने पति की जगह अपने लवर को रिप्लेस करने का। नेक्स्ट कैट का टीजर रिलीज किया गया जो कहानी है एक ऐसे पर्सन की जो एक कैट है यानी कि एक सिविलियन इन्फॉर्मेंट। रणदीप हुडा यानी कि गुरमान को अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए फिर से इन्फॉर्मेंट बनने के लिए मजबूर किया जाता है। नेक्स्ट टाइटल है कला जो कि सेट होगी 30s और लेट 40s में जिसमें हमें प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया दिखाया जाएगा। कला फॉलो करती है एक यंग प्लेबैक सिंगर को जिसमें उसकी मदर के साथ उसका रिलेशनशिप दिखाया गया है। नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल जो फॉलो करती है नयनतारा की लव स्टोरी को जिनकी रिसेंटली अभी फिल्म मेकर विघ्नेश शिवन से शादी हुई है। इस इवेंट का लास्ट अनाउंसमेंट था गन्स एंड गुलाब्स। ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है जो कि सेट है 90s के इंडिया के एक स्मॉल टाउन गुलाबगंज में जिसमें हमें लव, क्राइम और 90s की पुरानी यादें देखने को मिलेगी। नेटफ्लिक्स का इस बार का इंडियन ओरिजिनल्स पहले के मुकाबले काफी बेहतर था। कुछ ऐसे शोज अनाउंस किए गए जिनकी स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात इन सारे शोज के कास्ट मेंबर्स काफी अच्छे हैं। आप किस शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।